नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद बाबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव शरीर में वीर्य का महत्व। वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-6 दिन बाद मेद बनता है और मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा, मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। स्त्री में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम जब पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 35 से 40 किलो भोजन करते है, तब 800 ग्राम रक्त खून बनता है और 800 ग्राम रक्त से 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने ओज का नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्म दर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहां जहां किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, वहां समझो कि वीर्य का ही चमत्कार है और उस व्यक्ति ने वीर्य क्षरण को रोक लिया है। अब यह समझो कि विकेत ने 40 से 45 जो वीर अर्जित किया वो एक बार के मैथुन क्रिया में गवा दिया। अब इतने समझदार हैं कि आप स्वयं को मजबूत और परमात्मा की प्राप्ति के लायक बना सकें। वीर्य की कमाई का उदाहरण एक माली ने अपना तन मन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति प्रकार के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों में परिश्रम से तैयार किए हुए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वे माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर आप अपने आप में ही झांक कर देखें, उस माली को कहीं और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से ही कई लोग उस माली का उदाहरण है। वीर बचपन से लेकर आज तक यानी 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 40 दिन की कमाई थी उसे हुई ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्ण खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा कर्म नहीं है? वे माली तो 2-4 बार भूल करने बाद किसी के समझाने पर सुधर भी गया होगा, फिर वो ही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज के समय में तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं और अंत में पछताना पड़ता है। क्षणिक सुख के लिए काम के वश में आकर व्यक्ति बड़े उत्साह से मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है और होगा ही। उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का अभाव हुआ, परंतु उसमें उसने 40 से 45 दिन की कमाई खो दी। अगर इसी जीवन शक्ति को बचा लिया तो आप में प्रचंड शक्ति आ जाएगी, आपकी वाणी में तेज, चेहरे पर चमक, गजब की कैकावता आ जाएगी। लेकिन आज इस बारे में कोई नहीं बताता और युवा गलत संगत में पढ़कर अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ में बहा देता है, फिर शक्तिहीन होकर जीवन भर बचताता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बचपन में बता दी जाए तो न जाने कितने युवा जो अपनी शक्ति व्यर्थ बहा देते हैं सफलता के शिखर पर पहुंच जाए। ये इस दुनिया में सफल होने का सबसे बड़ा राज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। समाज में, टीवी में, सोशल मीडिया में, फिल्मों में, हर जगह आपको इसके विपरीत ही बताया जाता है। सब चीजें अश्लीलता पर ही आकर रुकती है, भ्रम में डाला जाता है युवाओं को, जिससे युवा रहा भटक जाते हैं। वैसे ही मार्गदर्शन न मिलने के कारण अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ बहा देते हैं। जो शक्ति तेज में बदल कर सफलता के शिखर पर ले जा सकती थी, आज जरूरत आन पड़ी है हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। युवा कल का भविष्य है। जो लोग ये वीडियो देख रहे वो इस बात की जानकारी किसी युवाओं में शेयर जरूर करें। ये आपका राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होगा। माँ बाप ही अपने बच्चों से इस बारे में बात करने में संकोच करते हैं, लेकिन ये जीवन शक्ति का महत्व बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। नहीं तो युवा इंटरनेट व गंदी फिल्मों के जाल में फंसकर अपने जीवन को अंधकार की तरफ ले जाने लगता है।
अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है और न किसी को बता सकता है अपना दुख। ओ मेरे देश के युवा, गलत चीजें छोड़, आप सही राह पर चले। देख पूरी दुनिया की नजर तुझ पर है, बीती बातें भुलाब, तुझे पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।